हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे प्रकाश फास्फोरिलेशन, जिसमें नंबर एक चल रहा था चक्रीय फास्फोरिलेशन। तो आज नंबर दो की बात करेंगे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन क्या है, एक आरेख के माध्यम से देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक अचक्रीय पथ से होकर जाता है तथा उस प्रक्रिया के दौरान एटीपी से एटीपी का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है अचक्रीय फास्फोरिलेशन। तो इसका आरेख बना लेते हैं कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन क्या है। ये है P680, यहां से इलेक्ट्रॉन का ग्रही होगा वो होता है फ्यूफाइटिंग, कि आपने पीएस सेकेंड की क्रेवली भी आपने देखा था, और आपको ध्यान है कि अचक्रीय फास्फोरिलेशन में होगा वो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, क्योंकि पीएस फर्स्ट में आपने लिखा था कि चक्रे में भाग लेता है अचक्रे में भी, तो यहाँ पर दोनों भाग लेंगे। तो इसको ग्रहण करने वाला कौन होगा, फ्यूफाइटिंग PHO ग्रहण करेगा, और ये सहायक वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ग्रहण करने वाला होगा PQ, यानी PQ से इलेक्ट्रॉन होगा साइट्रॉन B6 साइट्रॉन F, इससे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा PC में, और PC से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा P700। और P700 से इलेक्ट्रॉन होगा AFS, और इसके बाद में FD में जाएगा, और ये NADPH2। यहां से इलेक्ट्रॉन साइट्रॉन B6 PC से होता हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन FAS FD में चला जाता है, और FD से NADP के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। यहां जल का प्रकाशिक अपवर्णन होगा O2 प्लस वेज प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और ये H प्लस ये है PS फर्स्ट, ये PS सेकेंड, यहां पर है PHEO बराबर फ्यू फाइटिंग, PQ बराबर प्लास्टोक्विनोन,
और पीसी का बराबर, पीसी का मतलब होता है प्लाटो साइन, और यहाँ पर एडीपी प्लस पीआई एटीपी। चक्रीय फास्फोलिपिड क्या है? ये डायग्राम है, चक्रीय प्रकाश फास्फोलिपिड। चक्रीय प्रकाश फास्फोलिपिड क्या है? इसके अंदर पहली बात पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं, ध्यान रखिए पीएस फर्स्ट ये सेकंड है और ये पीएस फर्स्ट है, दोनों भाग लेते हैं। इस क्रिया में जल का क्या होता है? प्रकाशित अपवर्णन होता है। जल के प्रकाशित अपवर्णन से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी 680 के द्वारा क्या कर ले जाते हैं? ग्रहण कर ले जाते हैं। क्या जल का प्रकाशित अपवर्णन हुआ है? तो जल के प्रकाशित अपवर्णन से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पी 680 के द्वारा ग्रहण कर ले जाते हैं, और पी 680 से इलेक्ट्रॉन का जो प्राथमिक ग्राही होता है वो कौन होता है? फ्यूफाइटिंग। याद रखें कि चक्रीय फास्फोलिपिड की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो प्राथमिक ग्राही है वो एक प्रकार से पी 680 से ग्रहण करने वाला कौन होगा? फ्यूफाइटिंग होगा। फ्यूफाइटिंग से इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाता है? पी क्यू में चला जाता है, इसे प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। याद रखें प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम बी6 में जाएगा, साइटोक्रोम एफ में जाएगा। इस दौरान इलेक्ट्रॉन जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग कौन होगा? एडीपी करेगा, और क्या बनाएगा? एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। ध्यान रहे साइटोक्रोम एफ से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? पीसी में चला जाएगा, प्लास्टोसाइनिन में चला जाएगा, और पीसी होता है जो पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट को क्या करता है? जोड़ता है, योजक कड़ी का काम करेगा। तो पीसी से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? पी 700 में चला जाएगा। पी 700 से इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ग्रहण करने वाला कौन होगा? एफएस होगा। हाइड्रोक्सिल समल प्रोटीन है जो एफएस के नाम से जानते हैं, एफएस में चला जाएगा। एफएस से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? एफडी में चला जाएगा, और एफडी से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? एनएडीपी में जाकर मिल जाएगा। लेकिन जल के प्रकाशित अपवर्णन से मुक्त एच प्लस आयन होते हैं, ये एच प्लस आयन होते हैं, ये एनएडीपी का क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं, जिससे क्या बनता है? NADPH2 का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पी 680 से निकला था लेकिन ए चक्रीय पथ से होता हुआ वापस पी 680 में लौट कर नहीं आता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनाता है? एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ए चक्रीय फास्फोलिपिड कहा जाता है। चक्र में आपने क्या देखा था? पी 700 से निकला था लेकिन वापस लौट कर 700 में आ जाता है, लेकिन यहाँ पी 680 से इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन वापस पी 680 में लौटकर नहीं आता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एडीपी से क्या बनाता है? एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अचक्रीय फास्फोलिपिड कहा जाता है। इसकी संरचना यदि बात करें तो इसको जेड स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार से घुमा के देखें आप एन देख पा रहेंगे, लेकिन ये हरित लवक होता है, उसके ग्रेना पटलिकाओं पर देखें तो एक प्रकार से ये इसकी संरचना कैसी होगी? जेड की तरह गमन करेगा, इसलिए इसे जेड स्किन भी कहा जाता है। याद रखें इसे जेड स्किन भी कहा जाता है, अर्थात यह सभी पौधों के अंदर, सभी हरे पादपों के अंदर यह क्रिया संपन्न होगी, अर्थात इसमें जल का प्रकाशित अवगणन होगा। ध्यान रखें इसमें जल का क्या होता है? प्रकाशित अवगणन होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसमें जल का प्रकाशित अवगणन होगा जिसे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, अर्थात इसमें NADPH2, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें NADPH2 व ATP का निर्माण होता है। कि आपने देखा चक्र में NADPH2 नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर ATP और NADPH2 का क्या होगा? निर्माण होगा, और जल के अवगणन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चक्रीय अचक्रीय में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं आप, कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है क्योंकि जल का प्रकाशित अवगणन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, उसमें NADPH2 का निर्माण नहीं होता है जबकि इसमें NADPH2 का निर्माण होता है। तो ये था अचक्रीय फास्फोलिपिड, जो आप समझ चुके होंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पी 680 से निकला था लेकिन अचक्रीय पथ से होता हुआ
जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन कहा जाता है। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन दोनों में आप अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पहले आपने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड पढ़ा, उसमें भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।